तो जी बड़ी बातें हो रही है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल हो सकता है कि नहीं हो सकता, पाकिस्तान की नेट रन इतनी कम है, इंग्लैंड से हार जाएंगे, क्या होगा? भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिर्फ सेमीफाइनल नहीं, फाइनल का भी चांस बन सकता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल का भी चांस बन सकता है अगर साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया। इंडिया फिनिश कर गई सेकेंड पे, साउथ अफ्रीका फिनिश कर गई फर्स्ट पे, तो साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल एंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया को तो हम हमेशा हराते हैं और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हमेशा हराता है। इनफैक्ट 9 विकेट वाला मैच भी आपको याद होगा, वो मैच भी पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। तो हो सकता है कि अहमदाबाद में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल आपको फिर से दिखे। प्रॉब्लम्स क्या है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये मैच रिपोर्ट हम कर रहे हैं। यस, मैंने फखर जमान की बड़ी तारीफ करी, इट इज नो सीक्रेट, आपको पता है फखर जमान मेरा फेवरेट पाकिस्तानी प्लेयर है, और क्यों ना हो भाई, आउट एंड आउट सिर्फ वो मैच विनर नहीं है, वो आउट एंड आउट टूर्नामेंट विनर है। इस आदमी ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जिताया हुआ है। सबसे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान के लिए बाबर आजम नहीं है, फखर जमान है। खैर, मैच रिपोर्ट में आज हमने देखा क्या, हमने देखा बैटिंग, एक्सेप्शनल बैटिंग, एक आदमी की एक्सेप्शनल बैटिंग, फखर जमान तबाह करके रख दिया सारे बॉलर्स को, दो 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 छक्के लगाए, खत्म करके रख दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं 126 नॉट आउट, 11 छक्के 8 चौके, चौकों से ज्यादा छक्के लग जाए तो फिर भगवान ही बचाए। लेकिन मैच रिपोर्ट अगर मैं आपको दूंगा ना, प्रॉपर पिक्चर अगर मैं दूं, अभी भी पाकिस्तान के लिए बहुत सवाल है भाई। डोंट जंप द गन, आपने इंग्लैंड के साथ खेलना है, क्या आप वाकई में फिर से चार पेस बॉलर के साथ जाओगे? भाई व्हेन यू स्टार्टेड द टूर्नामेंट पाकिस्तान, आपके पास 5 फास्ट बॉलर थे, आज मतलब 5 बॉलर थे ये मान लीजिए, नवाज, शादाब, साथ में हसन अली, साथ में आपके खेल रहे थे शाहीन और हारिस रॉफ, ये आपका बॉलिंग अटैक था। शादाब नवाज दोनों को बाहर कर दिया। आज की डेट में आप 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हो, उसके साथ में आप खिला रहे हो किसको, इफ्तिकार अहमद और सलमान अली आगा, ये चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगी। अगर आप सेमीफाइनल में आ भी गए, बड़ी बुरी तरह हारोगे। हर दिन आपको चिन्ना स्वामी की पिच नहीं मिलेगी जहां फखर जमान साहब जो है 11-11 छक्के लगा रहे, नहीं होगा हर दिन। पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, एक स्पिनर तो खिलाना ही पड़ेगा, नहीं भी खिलाना तो 5 बॉलर तो खिलाने ही पड़ेंगे, फिफ्थ ऑप्शन कैन नॉट बी इफ्तिकार अहमद। बड़े मैच में आओगे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 70 चढ़ जाओगे, इंडिया के अगेंस्ट 70 चढ़ जाओगे, अगर सेमीफाइनल में आ गए तो साउथ अफ्रीका गेंस भी हत्या चढ़, साउथ अफ्रीका की बैटिंग सोच लो, अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग को यहां पर ये 4 पेसर मिल गए और स्पिनर कोई नहीं इफ्तिकार अहमद साथ में, कितने रन मारेंगे वो? और उनकी बॉलिंग कोई न्यूजीलैंड की तरह हल्की बॉलिंग नहीं है, देखो न्यूजीलैंड को भी नुकसान हुआ है, जो न्यूजीलैंड के प्लेयर निकल गए उनको परफेक्ट नुकसान हुआ है। तो लाख बातों की एक बात यही है भाई कि न्यूजीलैंड ने तो आज बेड़ागर करा लिया, स्पिनर स्पिनर स्पिनर, बीच में ना मिचेल से बॉलिंग कराई, वो कराते ही रहा, ग्लेन फिलिप्स छक्के खा रहा है, फिर सोडी आ गया छक्के खाने, पता नहीं छक्के पड़वाने का ही मूड था उनका, क्या था केन विलियमसन आज तो मुझे नहीं समझ में आया उन्होंने कैसे कप्तानी करी, लेकिन बाकी टीम्स ये नहीं करेंगी। और हर बार फखर जमान आपको बेल आउट नहीं कर सकता, आपकी बॉलिंग लगातार रन पड़वा रही है, लगातार। पाकिस्तान का मैंने शुरू से बोला है कि जो ये बाबर आजम बोलते थे कि हमारी स्ट्रेंथ हमारी बॉलिंग है, नो बॉस, आपकी स्ट्रेंथ आपकी बैटिंग चल रही है कंपैरेटिवली, कप्तानी तो आपकी वेक है ही है। तो आगे क्या करना है भाई, आगे पाकिस्तान के लिए यही है कि टॉस जीतो बैटिंग कराओ, पहले तो देखो भैया न्यूजीलैंड श्रीलंका मैच में क्या होता है। अगर न्यूजीलैंड जीत गई, बारिश के वहां पे उस दिन बहुत ज्यादा चांसेस है, 70% रेन है 1 बजे से 5 बजे तक, अगर तो पाकिस्तान वो वाला मैच जो है न्यूजीलैंड अगर वो वाला मैच जो है अगर वो जीत गई तो पाकिस्तान के चांसेस वैसे ही ऑलमोस्ट डेड हो जाएंगे, बिकॉज पाकिस्तान को फिर 131 रन से, अगर न्यूजीलैंड 1 रन से भी जीतती है ना श्रीलंका से, पाकिस्तान को 131 रन से जीतना पड़ जाएगा, विच इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और न्यूजीलैंड अगर 50 रन के मार्जिन से जीत जाती है तो पाकिस्तान को 80 रन से जीतना पड़ेगा, 180 रन से, सॉरी 180 रन से इंग्लैंड से, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, होने नहीं वाला। तो बेस्ट चांस यही है जो कुदरत का निजाम कर रहे हैं कि हो सकता है श्रीलंका न्यूजीलैंड वाले मैच में बारिश हो जाए, कुछ हो जाए कुदरत का निजाम, क्या तो पॉइंट स्प्लिट हो जाए या मैच में ओवर्स रिड्यूस हो जाए, श्रीलंका जीत जाए। लेकिन ऑलमोस्ट पाकिस्तान बाहर होने के कगार पे है अभी भी। मैं बोलता हूं देखो, ये मैच जीत के 400 रन जीत के आपने अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाई है ना, काफी हद तक। इंग्लैंड वाला मैच जीत के आप पूरा कम से कम बाहर इस अपना हेड हेल्ड हाई रख के जा सकते हो कि यार चलो नेट रन रेट पे बाहर हुए, जो आपके पुराने पाप थे भाई वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे, जो आपने पर्चियां आज फाइनली पर्चियां फाड़ के जला दी ना, वो पहले कर देना चाहिए था।
खैर बाबर आजम साहब को सलाम है, इंजमाम उल हक साहब को सलाम है, जो भी जो इसमें इन्वॉल्व थे, मिकी आर्थर को सलाम है कि पता नहीं कैसे फकर जमान जैसे मैच विनर को बाहर रखा हुआ था। अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहता हूँ इस मैच रिपोर्ट में कि अभी भी पाकिस्तान का सफर बहुत मुश्किल है, बिकॉज उनकी बॉलिंग सॉर्टेड नहीं है। अगर कहीं गलती से सेमीफाइनल में आ गए और पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल हो गया, इंडिया टॉप पे फिनिश करता है कल साउथ अफ्रीका को बीट करके, बहुत कुटाई फिर से पाकिस्तान की होगी, मेरी प्रिडिक्शन है, और जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहेगा। पाकिस्तान अगर अपनी बॉलिंग लाइनअप सॉर्ट आउट करे कि क्या बॉलिंग हमने खिलानी है, कम से कम 5 प्रॉपर बॉलर विद इफ्तिकार अहमद, तब जाके इनका कुछ मामला आगे बढ़ेगा, वरना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। खैर आज की दिन इनकी जीत है, फखर जमान जैसा बैटर इनके पास है नहीं। इसी बात के साथ मैं फिनिश करूंगा। क्रिक रॉकेट को डाउनलोड कर लीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।